सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अशोक लेलैंड टस्कर का किन पिन कैसा सेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इसमें बता दें इस FA50XL में दो प्रकार के किन पिन लगते हैं, एक तो आयल वाली और दूसरा है ग्रीस वाली। तो फिलहाल दोस्तों, हम जिस किन पिन का अभी सिम सेटिंग करेंगे वो है ग्रीस वाली। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं FA50XL के पास और दोस्तों इस किन पिन का हम अभी आज की इस वीडियो में सिम सेटिंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है राइट साइड का स्पेंडल और इस स्पेंडल का हमने दोनों बुश चेंज कर दिया है और ऑयल सील भी हमने नया फिटिंग कर दिया है। चलिए अब दोस्तों हम इसे एक्सल में फिट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक्सल में फिटिंग जब हम करते हैं दोस्तों तो एकदम इजीली फिटिंग हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी की जो मॉडलें चल रही है FA90, FA91, 99, ये सारे जो हैं एक्सल उनमें बेयरिंग लगते हैं नीचे, बट दोस्तों ये FA50 सीरीज है जिसमें बेयरिंग नहीं लगता है। तो देख सकते हैं, हमने स्पेंडल को एक्सल में फिटिंग कर दिया है और जो किनपिन है, किनपिन का जो होल है उसे हमने सेंटर कर लिया है और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये किनपिन के ऊपर एक घाट बना हुआ है जो कि क्वार्टर बोल्ट के लिए होता है। तो दोस्तों उस क्वार्टर बोल्ट का होल मिलाकर इस किनपिन को नीचे साइड से फिटिंग करना है, ठीक है। दोस्तों इस किन पिन को ओपन करने का रीज़न ये था कि राइट साइड का जो टायर है वो टायर दबा रहा था, मतलब बहुत ही जल्दी टायर ख़त्म कर दे रहा था। मतलब हमने अभी अभी 2 महीने पहले एक टायर चेंज किया था जो कि वो पूरा ही घिस चुका था। तो दोस्तों हमने जब देखा इसका प्ले तो बहुत ज़्यादा प्ले था और इसका बूश कट चुका था, इस वजह से हमने इसको ओपन किया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने किनपिन का जो है पिन उसका सेंटर मिला लिया था क्वार्टर पिन का और क्वार्टर पिन का सेंटर मिलाने के बाद में आपको क्वार्टर पिन को अंदर ठोक देना है और उसके बाद एक वायसर लगाकर नट लगाकर उसको क्वार्टर बोर्ड को अच्छे से टाइट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो किनपिन है, हमने जो अभी किनपिन फिटिंग किया है उसके ऊपर के जो प्लेड हैं उसमें गैस्केट लगा के उसे चारों बोल्ट से अच्छे से टाइट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां तक के तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब आती है किनपिन सेटिंग का काम। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये नीचे का जो किनपिन का कैप है इसके ऊपर हमें सिम डालना होगा। तो चलिए हम अभी फिलहाल इस कैप में 3 सिम डालकर हम फिटिंग करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि प्ले कितना रहता है या जाम रहता है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए 2 मोटी और 1 पतली सिम डालकर किनपिन कैप को अच्छे से टाइट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि प्ले कितना रहता है, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने किनपिन का जो नीचे वाला कैप जिसमें हमने सिम लगाया था वो हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। अब दोस्तों हम चलिए इसका प्ले देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही जाम है। फिलहाल दोस्तों हमें इसे ओपन करना होगा क्योंकि बहुत जाम है, अभी हमें और भी सिम डालनी होगी। मतलब दोस्तों अभी जो स्पेंडल है घूम नहीं रहा है, मतलब ये जाम है, तो हमें क्या करना होगा, सिम डालना होगा। तो चलिए हम 2 मोटी और 1 पतली 3 सिम और डालते हैं और उसके बाद इसको हम लगाते हैं और लगाने के बाद में इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि प्ले कितना बचता है, ठीक है। दोस्तों किनपिन सेटिंग का मतलब है स्पेंडल को एडजस्ट करना। दोस्तों स्पेंडल को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब दोस्तों स्पेंडल अगर जाम हो तो हमें सिम डालनी होगी, अगर स्पेंडल फ्री हो तो हमें सिम निकालनी होगी। दोस्तों जब भी आप इस स्पेंडल का प्ले सेट करो तो स्पेंडल को खींचने में करीब करीब 6 से 7 kg का ताकत लगना चाहिए, इतना आपको इस स्पेंडल को जाम रखना है, ठीक है। मतलब कि स्पेंडल को आप इस लेफ्ट या राइट में जैसे भी आप खींचे तो आपको एक हाथ में 6 से 7 kg का वेट, मतलब भार आना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने किस प्रकार से किनपिन को सेट किया है, उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।